आर्च बिशप कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का पिछले बुधवार को निधन हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मांडर के कॉन्स्टेंट लिवेंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में, जिसे आमतौर पर लोग मिशन हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। उसके मुख्य द्वार पर हम लोग हैं और वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह आप देखेंगे फ्रंट में ही, यानी आपको एंट्रेंस के पास ये देखेंगे कि उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है और उनको लास्ट अंतिम विदाई, अंतिम सलामी पेश की जा रही है। और इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इस हॉस्पिटल से उनका लगाव था, उनका कहीं ना कहीं रिलेशन था। यही वजह है कि उनके निधन के बाद बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इस गेट में देखेंगे कि दोनों ही तरफ आप देखेंगे कि जो कार्डिनल की जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई गई है, और जो लोग भी आ रहे हैं उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उनको अंतिम विदाई पेश कर रहे हैं। और हम थोड़ी हॉस्पिटल के कैंपस आपको दिखाना चाहते हैं, वो इस वजह से कि जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक उनका जो लगाव है इस हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा था। और जैसा अब से थोड़ी देर पहले सिस्टर शीला से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो ये चाहते थे कि इस हॉस्पिटल को एक मेडिकल कॉलेज के तौर पर स्थापित किया जाए, उस रूप में उसको एस्टैब्लिश किया जाए। लिहाजा वो जीवन पर्यंत इसके लिए कोशिश करते रहे और उसी दिशा में ये हॉस्पिटल भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इनकी जो सुविधाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और मांडर जैसे इलाके में इस तरह का हॉस्पिटल होना, यहाँ तमाम चीज़ों की सुविधाएं होना, ये बताता है कि किस तरह से उनकी कोशिशों से और उनके सहयोग से जो है ये हॉस्पिटल जो है वो कहीं ना कहीं तरक्की कर रहा था और लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर्स हो, स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, तमाम लोगों की जो ज़रूरत थी उसे पूरा किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं उनके जाने से इस हॉस्पिटल को भी नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं उससे ये हुआ है कि जो एक मेडिकल कॉलेज के तौर पर स्थापित करने की प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाना अब तमाम लोगों के लिए एक जिम्मेदारी बढ़ा कदम हो सकता है। एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। हम लोग ने कोशिश की है कि अंदर मॉर्चरी में जा करके उनके पार्थिव शरीर तक हम पहुँचे, हालांकि वो अभी फ्रीजर में बंद रखा गया है, लिहाजा आम लोगों के दर्शन के लिए फ़िलहाल वो बंद है। 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को दर्शन होंगे, अंतिम दर्शन होंगे, वो भी राजधानी रांची में। 10 अक्टूबर को यहाँ से पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद 2 दिन तक लोग जो हैं वो दर्शन कर सकेंगे और लास्ट जो रिचुअल्स हैं वो राजधानी रांची में ही सम्पन्न कराए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब तक उनका पार्थिव शरीर इस हॉस्पिटल में है तब तक जो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है, तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं उनके जो भावनात्मक रूप से जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और ये बता रहे थे कि जब तक वो जीवित रहे, जिंदा रहे, उन्होंने किस तरह से लोगों को आशीर्वाद दिया और किस तरह से लोगों को उन्होंने अपना उनका प्रेम जो है उन लोगों के प्रति रहा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बाई क्षेत्रों में आदिवासी और मूलवासी समाज के बीच किस तरह से उनकी लोकप्रियता थी। बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, गुमला के चैनपुर से निकल करके वैश्विक पटल पर और वैश्विक दुनिया में जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान और शिनाख्त को बनाई है वो किसी भी आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय हो सकता है, पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय हो सकता है। जाहिर सी बात है एक कार्डिनल के तौर पर उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है वो पूरे झारखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस हॉस्पिटल से उनका खास लगाव था जैसे मैं कह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इस हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाना मेरे लिए और हमारे मंच के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। लिहाजा ये ख़ास तौर पर ये तस्वीरें हम आपके लिए पेश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं, आखिरी वक्त वो उन्होंने इसी हॉस्पिटल में गुजारा है। लिहाजा इस हॉस्पिटल से भी आम लोगों का बड़ा अकीदा हो गया है, आम लोगों का बड़ा लगाव हो गया है। और अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा परमिशन दे दिया जाए तो लोगों का हुजूम इस हॉस्पिटल में आ जाएगा, लेकिन चूँकि परमिशन नहीं है जिसकी वजह से लोगों की आमद नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं, थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं लेकिन वो भी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं।
प्रेस के तौर पर हम लोगों के थोड़ी देर के लिए जाने की इजाज़त मिली, जहाँ से तस्वीरें हम लोगों ने कैप्चर की हैं। अब जाहिर सी बात है आखिरी जो तस्वीर होगी वह 10 और 11 अक्टूबर को होगी, जब उनका पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम दर्शन के लिए राजधानी रांची ले जाया जाएगा, लोयला मैदान में रखा जाएगा, जब तमाम जो लोग हैं आम और ख़ास लोग जो हैं उनका जो दर्शन कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उनको अंतिम विदाई भी दे पाएंगे। हमारी कोशिश बस इतनी है कि उनकी जो जहाँ से भी यादें जुड़ी हुई हों, चाहे आर्च बिशप हाउस से हो, महागिरजाघर से हो, मांडर किस लिवेंस हॉस्पिटल से हो, तमाम तस्वीरों को हम आप तक पेश करना चाहते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्डिनल तिलेस्फोर पी टोप्पो ने झारखंड के लिए और पूरी दुनिया के लिए और पूरी इंसानियत के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए क्या कुछ किया है, आज उसको याद करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके इस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं, अंतिम वक्त गुजारा है, जाहिर सी बात है ये बेहद ख़ास हो जाता है उन तमाम लोगों के लिए और ख़ास करके विश्वासी समाज के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की मनाही की वजह से फिलहाल उनको रोका गया है, अंतिम दर्शन राजधानी रांची में होगा। फिलहाल मुझे यानी कि शहनवाज को और हमारा कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत, नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।